आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। जिला राजगढ़ कार्यकर्ता की बैठक ब्यावरा के कबीर मंदिर परिसर रेलवे ब्रिज के पास हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन सचिव चुनाव प्रभारी नरेश डांगी, धीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान थे। बैठक में 5 सदस्य जिला चुनाव समिति का गठन किया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में नरेश डांगी ने चुनाव समिति की घोषणा और संभावित प्रत्याशी फार्म जारी किए। केंद्रीय पर्यवेक्षक के दौरे 10 जनवरी से आरंभ होंगे। धीरज श्रीवास्तव एडवोकेट ने बताया कि हमें जवाब दो, हिसाब दो, यात्रा निकालेंगे और वार्डो की समस्या इकट्ठा कर उनको हल करवाने के प्रयास करेंगे। संचालन एडवोकेट प्रवीण सक्सेना ने किया। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार का एकीकार, भ्रष्टाचार का एकीकार, इनकलाब लड़ेंगे, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जी आज का प्रयोजन सर, नमस्कार, मैं नरेश ठाकुर, प्रदेश संगठन सचिव और नगरीय निकाय चुनाव का राजगढ़ जिले का पर्यवेक्षक के रूप में आज मैं यहाँ आया हूँ। आज हमारे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक कार्यक्रम तय किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज सिंह जी ने कि हम मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारे पूरे 52 जिलों में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उसी कड़ी में मुझे राजगढ़ का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और राजगढ़ जिले के ही सभी साथियों की एक चुनाव समिति हमने आज गठित की है। उस चुनाव समिति का गठन हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव जो यहाँ होने वाले हैं उसमें जहाँ के संभावित प्रत्याशी वो एक चयन समिति है। हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं कालूराम असैया जी, ये और यहाँ की समिति सभी लोगों को चिन्हित करके एक हमने ये फार्म दिया है पार्षद के संभावित प्रत्याशियों, ये कंप्लीट करके पूरी बना के हमको देंगे और हम प्रदेश नेतृत्व किन मुद्दों पर नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे, जबकि बड़ी बड़ी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं कांग्रेस भाजपा उनके साथ में कुछ अन्य निर्दलीय भी होते हैं, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? दिल्ली और मध्य प्रदेश दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की, हम जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो मेन मुद्दे हैं मूलभूत सुविधाएं। अभी तक आपने देखा होगा नगर परिषद नगर पालिकाओं में कांग्रेस और बीजेपी के जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जवाब दो हिसाब दो यात्रा, पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रही है, यहाँ भी हम चलाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, नाली, इन मुद्दों पे हम नगर पालिका के चुनाव लड़ेंगे। पीपीएल कार्ड हो, राशनधारी, पीडीएफ दुकानों पर उनको वो नहीं मिल रही, पेंशनों को पेंशन नहीं मिल रही, वृद्धाओं को, इन सारे मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में एक मजबूत विकल्प हम मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के तौर पर जनता के सामने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।